थैंक्स स्टूडेंट, आज हम 7.2 के अंदर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। ये ए भी एक लाइन है जिसके पॉइंट दे रखे हैं -3, -10, -6 और -8। ये लाइन सी पॉइंट पर कटती है और इसके वहाँ के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -1 और 6। आपने इस लाइन का रेशियो निकालना है जिस रेशियो पर ये लाइन कटती है। कल हमने आपको रेशियो दिया था और उसके कोऑर्डिनेट आपने निकालने थे। आज हमने आपको कोऑर्डिनेट दिए हैं और आपने उसका रेशियो निकालना है। ये दोनों में डिफरेंस है, तो लेट द रेशियो ऑन विच लाइन ए बी इज कट एट पॉइंट सी के रेशियो 1। तो के रेशियो 1 हम मान लेते हैं, के का मतलब M1, 1 का मतलब M2। तो हम यहाँ से x के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे तो -1 के बराबर रखेंगे, y के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे तो 6 के बराबर रखेंगे। ये आपकी मर्जी है, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो मैंने यहाँ पर आपको x के कोऑर्डिनेट निकाल के दिखाए, x1 m2 प्लस में x2 m1 अपॉन में m1 प्लस में m2 इक्वल टू -1, के इंटू 6 प्लस में 1 इंटू -3 अपॉन में के प्लस 1 इक्वल टू -1। 6k माइनस 3 माइनस के माइनस 1, के को इधर ले आओ, 7k इक्वल टू 2, के इक्वल टू 2/7। देयरफॉर दिस इज द रेशियो 2:7 वेयर द ए बी लाइन इज कट एट पॉइंट सी। सिमिलरली अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, जो पेपर में काफी बार आता है। ए बी इज द लाइन, उसके पॉइंट दे रखे 1, -5, -4, 5। ये पॉइंट सी है, सी पर ए बी लाइन एक्स एक्सिस पर कट होती है। एक्स एक्सिस पर हमारा जो पॉइंट बनता है वो वाई जीरो होता है। एक्स एक्सिस पर वाई जीरो होता है, वाई एक्सिस पर एक्स जीरो होता है। तो ये पॉइंट हमारा बन गया एक्स जीरो। तो इस केस में हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमने वाई के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। पिछले सवाल में हमारी मर्जी थी कि आप एक्स के निकाल लो या वाई के निकाल लो। इस केस में वाई के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और उसको जीरो के बराबर रखना है। ये इस सवाल की कंडीशन है। उसी तरह से लेट द रेशियो ऑन विच लाइन इज कट एट पॉइंट सी के रेशियो 1, ये काम करेगा M1 M2 का। नाउ फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ फाई, M1/2, M2/1 अपॉन में M1 प्लस में M2 इक्वल टू 0, के इंटू 5 प्लस में 1 इंटू -5 अपॉन में के प्लस 1 इक्वल टू 0, 5k माइनस 5 इक्वल टू 0, 5k इक्वल टू 5, के इक्वल टू 5/5। तो ये रेशो आ गया हमारा 1:1, जिस पर आपकी लाइन कटती है। इससे संबंधित आपके सारे क्वेश्चन हैं 7.2। अब दोबारा से आपका FA2 होने जा रहा है 5 तारीख से। उसमें आपके जो चैप्टर आएंगे बच्चों, वो आएंगे, ध्यान से सुन लो, 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर। इसलिए जिस भी बच्चे की 3rd और 4th चैप्टर से
संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो वो बच्चा पूछ सकता है, और आपने पूरी तैयारी के साथ वो पेपर देना है। दैट्स ऑल।